सुर्खी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार जैसी नगर पहुंचे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान राजपूत गोवर्धन मेले में भी शामिल हुए और उन्होंने जमकर नृत्य किया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास लोगों में गिने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उपचुनाव के दौरान मुश्किल दिख रही लड़ाई में बेहद शानदार जीत दर्ज करते हुए सबको चौंका दिया। 40,000 से अधिक मतों से सुर्खी विधानसभा से पुनः जीतने वाले राजपूत जीतने के पश्चात पहली बार जैसी नगर पहुंचे और गोवर्धन मेले में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नृत्य भी किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सुर्खी के नव निर्वाचित विधायक ने कैबिनेट विस्तार पर कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उन्हें जो भी पद मिलेगा वो उसे स्वीकार कर लेंगे। मंत्री का विस्तार मंत्री का विशेषाधिकार होता है और जब भी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी बैठ के इस बात का निर्णय करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। जो भी पद मिलता है उस पद को स्वीकार करता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। तो वही पद और अहंकार की राजनीति के आरोप पर उन्होंने कहा कि सुर्खी क्षेत्र की जनता ने इसका जवाब 41,000 मतों की जीत से दे दिया है। अहंकार का आरोप आपको देखते कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, वो कह रहे थे जनता चुनाव तो लड़ रही थी लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़ी थी। 41,000 की वोट, 41,000 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। अब तो जो कहने वाले थे उनको भी अपने कहे पर दुख हो रहा होगा कि हमने क्यों ऐसी बात कही थी। वह शर्म महसूस हो रही होगी, एक गिलानी महसूस हो रही होगी क्यों मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता व्यक्तिगत तौर पे 25 साल के संबंध को देखते हुए हमारे साथ है। वही कारण है कि आज पानी का पानी जनता ने कर दिया। आपको बता दें कि सुर्खी से जहां बीजेपी से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू मैदान में थी। जबरदस्त प्रचार अभियान के बाद गोविंद सिंह राजपूत दोबारा विधायकी पाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सागर।